इस सीज़न में तो हर घर में तरबूज आता है और लोग तरबूज खाते हैं, लेकिन इस बचे हुए पार्ट को फेंकना पड़ता है, जिसे देखकर अफसोस भी होता है। तो क्यों ना आज इसे यूज करके कोई चटपटी चीज़ बनाएं। इसके लिए हम इसे पील कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसी तरह मेरा वीडियो देख सकें। और ये जो लाल वाला पार्ट है ना, इसे हम निकाल देंगे, जिससे ये मीठा ना लगे। चलिए एक बार और इसे छील के दिखाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह हमको करना है। पहले हमने ये लाल वाले पार्ट को नाइफ से निकाला था, इसमें हमने रेड वाले पार्ट को पिलर से निकाला है, तो ये बहुत अच्छे से निकल गया है, हमको ये ज़्यादा सरल लगा। इसी तरह हम सारे पीस को छील लेंगे। अब हम ग्रेटर लेंगे और इसे इस तरह फोल्ड करके इसे ग्रेट कर लेंगे। इसे फोल्ड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये छीलने के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। हमें तो बस इतना ही बनाना है और इस बचे हुए पार्ट को हम बाद में यूज करेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे और अच्छे से मिला के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दस मिनट हो गया है, अब हाथ से इसको इस तरह दबा के इसका पानी निकाल लेंगे। अब हम बेसन लेंगे, ये महीन वाला बेसन है। अगर आपके पास मोटा वाला बेसन है तो आप उसे यूज कीजिएगा, वो खाने में और भी अच्छा लगता है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेंगे। ये कटा हुआ आलू है, कटा हुआ प्याज है, हरी मिर्च है और हरी धनिया है, इन सबको हम इसमें डाल देंगे। फिर इसमें ये बेसन डालेंगे, नमक डालेंगे। इसमें हम पहले से भी नमक डाल रखे हैं, इसलिए उसे टेस्ट करके डालिएगा। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। हमने इसमें रेड चिल्ली पाउडर नहीं डाला है, अगर आप उसे यूज करते हैं तो आप उसे भी डाल सकते हैं। ये अभी थोड़ा गीला है, इसमें हाफ बाउल बेसन और ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा काला नमक डालेंगे, आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ऑयल मिलाने से ये क्रिस्पी बनता है। अब हम ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब हम छोटी छोटी पकौड़ी जैसा बना लेंगे। इस समय हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। आप सोच रहे होंगे ये खाने में कैसा लगेगा और इसमें तरबूज का टेस्ट आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। एक बार आप भी इसे बना के देखिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप तरबूज के बचे हुए पार्ट से इसको बनाए हैं, जिसे हम फेंक देते हैं। अब इसे फ्लिप करते हुए फ्राई कर लेंगे। तो आपने देखा ना, जिसे हम फेंकने वाले थे उससे कितना टेस्टी चीज़ बना है। जो तो आप भी इस बार जब आपके घर तरबूज आए तो इसे ज़रूर बनाइएगा। ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसे हमें पकौड़ी जैसा ही फ्राई करना है। बड़ी मुश्किल से हम टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को ध्यान में रखते हुए लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह सारे पेस्ट से पकौड़ी तैयार कर लेंगे। आपने देखा ना, हमने इसमें अदरक का पेस्ट डाला है और ना लहसुन का पेस्ट डाला है, फिर भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है।
ये भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये मेरी सारी पकौड़ी बनके तैयार हो गई है। फिर हम हरी मिर्च को इस तरह बीच से काट के इसमें डाल देंगे। ये गरम तेल से ही फ्राई हो गया है, थोड़ा सा फ्राई होने पे निकाल लेंगे। तो ये देखिए मेरी पकौड़ी बनके तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी खाने में टेस्टी लग रही है। चलिए हम दिखाते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है। तो आप भी इस तरह बनाइए और एंजॉय कीजिए, और हम भी जा रहे हैं पकौड़ी खाने। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।